दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके के डी मॉल में पार्किंग के विवाद में सिक्योरिटी गार्डों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के समय एक पुलिसकर्मी ने युवक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। परिवार का आरोप है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मेरा नाम सर कपिल है, अमृतौर में साथ में ही काम करते थे पार्किंग। तो 30 तारीख को अमृतौर में खाना खाने के लिए बैठे थे, तो हमारे पास मैनेजर का फ़ोन आता है कि कुछ विवाद हो गया है, एक बार आप इधर आ जाइए डिमोल की तरफ। तो अमृतौर में वहाँ पर जाते हैं और मामले को सुनते हैं, क्या बात है। मैनेजर से हम पूछते हैं जी क्या हो गया बताइए। तो कहते हैं कि ना ये डी मॉल के गार्ड और मैनेजर हमारे ऊपर, मेरे को अकेला देख के मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने किस वजह से, कारण पूछा मैंने उनसे, तो बताते हैं कि सफ़ेदी का कोई मामला है, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं तो सफ़ेदी कर रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर पेंट गिरता है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए। तो हम अमृतौर में जाते हैं अंदर नहीं, मतलब उसकी उनकी मॉल की बाउंड्री में। तो पूछते हैं जी एक बार मैनेजर को बुला दीजिए, हमें बात करनी है, हमारे मैनेजर को कुछ बात करनी है, विवाद को ख़त्म कर देंगे। तो हम वहाँ पर जाते हैं, मैनेजर से पूछते हैं। मैनेजर बहुत लेट आता है उस दौरान, तो सुपरवाइज़र आकर बोलता है हाँ जी कौन हो तुम, क्या हुआ बताओ। वो उस टाइम पर बहुत सारे लोग होते हैं, 20 से 25 लोग होते हैं। तो मैनेजर थोड़ी देर बाद आता है, तो उससे हमारी बात होती है कि आपने गाली क्यों दी, आपने हमारे मैनेजर को गाली क्यों दी। तो वो बताता है कि हमने कोई गाली ऐसी कोई गाली नहीं दी है, और हमारा मैनेजर साफ कराता है, वो बोलता है कि इसने ही गाली दी है। तो हम उसको बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, इस विवाद को ख़त्म करो, आप सॉरी बोल दो, बात ख़त्म हो जाती है, इस मैटर को ख़त्म कर लेते हैं। इस दौरान ये होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो हमसे ही बहस करने लग जाते हैं, तुम कौन हो, गुंडे हो, क्या करते हो, यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो। मैंने कहा हम विवाद को ख़त्म करने के लिए ही आए हैं, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। बताया जा रहा है कि मृतक अमृतपाल सिंह पेशे से बाउंसर था। वो दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में अपने भाई बहनों और माँ के साथ रहता था। 30 दिसंबर को अमृतपाल सिंह नेताजी सुभाष प्लेस के डी मॉल में गया। यहाँ पार्किंग के दौरान उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथियों ने अमृतपाल की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सर मेरा बेटा घर से गया है, उसके थोड़ी देर बाद हमें 4:30 बजे फोन आया है कि करण कोई आया है, मेरा बेटा छोटा करण है, कि तेरा भाई यहाँ पड़ा हुआ है भाई, देख ले यहाँ पे इसको लड़ाई वड़ाई हुई है यहाँ पर। तो हम लोग जैसे गए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने पहले बोला महावीर में है, फिर महावीर के बाद हमने बोला नहीं महावीर से हम उसको सफदरजंग लेके जाएंगे। तो मैंने उसको बोला सफदरजंग मत लेके जाओ, क्योंकि वो दूर है, ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा लगी कुछ हो ना जाए रास्ते में। तो उन्होंने उसको बोला मैक्स में ले आओ। मैक्स में लाने के बाद मुझे नहीं मालूम वो आया है, लेकिन तब वो नहीं था, मतलब उसको इतनी ज़बरदस्त 25-20 बंदों ने उसको घेरा हुआ था, जो मुझे बाद में उसके फ्रेंड्स ने बताया है कि गार्ड्स ने उसको वहाँ पे घेरा हुआ था, स्विफ्ट कंपनी के गार्ड्स थे, जो वहाँ पर वो वैसे भी गुंडागर्दी काफ़ी करते रहते हैं। तो उन्होंने ही मतलब मेरे बेटे को 15-20 लोगों ने घेर के पीछे से रॉड मार दी, पैडिंग वाले रॉड्स वहाँ पड़े हुए थे, वो उठा के किसी ने मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से मारी और मेरा बेटे का काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई है, और वहाँ से उसको महावीर हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब परिवार का आरोप है कि डीप मॉल पार्किंग का मालिक और मैनेजर के कहने पर ही सिक्योरिटी गार्डों ने अमृतपाल सिंह की बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल परिवार अपने बेटे की मौत के इंसाफ के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट।